हैप्पी होली भगवान जी को, गुलाल लगा दें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। होली है तो होली पर भाई कई तरह के व्यंजन पकवान बनते हैं, है ना? तो मैं क्या क्या बनाने जा रही हूँ, चलिए आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं। पूरा दिन लगने वाला है, कहो दो दिन भी लग जाए तो ये वीडियो जब तक आपके पास आएगी तो एक दो दिन की रिकॉर्डिंग पूरी करके एडिट करके आपको मिल पाएगी, क्योंकि गुजिया बनानी, पपड़िया बनानी और रसगुल्ला भी बनाने और दही बड़ा भी बनाने हैं, तो अब एक दिन में पता नहीं बन पाएंगे, मुझे नहीं लगता। चलो दो दिन में बने, तीन दिन में वीडियो आपको पूरी दिखाएंगे जो जो हम बना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ रसगुल्लों के लिए चाशनी। तो चाशनी के लिए मैं कटोरा से नाप लेती हूँ कि एक कटोरा मुझे चीनी चाहिए, फिर आधा कटोरा पानी डालना है और बराबर चलाते रहना जब तक कि चीनी ना घुल जाए। तो ये सब तो आप सब जानते ही हैं, मैंने कर लिया। और ये मैं खोया जो है वो थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, इससे गुजिया बना रही हूँ। तो ये एक साइड मैंने रसगुल्लों के लिए चाशनी रख दी और एक साइड में थोड़ा सा खोया ये मैंने कर लिया है गुजियों के लिए तैयार। और अब आप सोच रहे होंगे के रसगुल्लों के लिए, तो रसगुल्लों के लिए खोया रखा हुआ है, वो भी मैं करूंगी अभी। तो चाशनी देखिए मेरी बन गई और यहाँ पर मैंने गुजियों के लिए भी आइटम जो खोया है उसमें चीनी, पिसी हुई चीनी और नारियल, कद्दूकस किया हुआ नारियल, ये सब मिला लिया। अब ये रसगुल्लों के लिए खोवा है जिसे मैं हाथों से अच्छी तरह मसल मसल कर तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा मैदा मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए भाई मुझे तो अंदाज हो गया है तो मैं उसी हिसाब से अपना बना लेती हूँ। जैसे 500 ग्राम खोया है तो उसमें 50 ग्राम मैं डाल दूंगी मैदा। मैदा डालने के बाद मैदा को मैं थोड़ा सा, मतलब खोया और मैदा को थोड़ा सा पानी डाल डाल के अच्छी तरह, जैसे आटा तैयार करते हैं ना रोटियों के लिए, इसी तरह से गूंथ लेती हूँ बढ़िया, ताकि रसगुल्ले अच्छे सॉफ्ट मुलायम बन जाए। और ये देखिए मैंने रसगुल्ले बनाना शुरू कर दिया है। तो फिर अब मैं फटाफट से रसगुल्ले बना लेती हूँ क्योंकि गुजियों में लगेगा टाइम। चाशनी मेरी बनी गई है और गुजियों में तो थोड़ा टाइम लगता है, और अकेली हूँ, मतलब हेल्प के लिए तो कोई है नहीं, अकेली बना रही हूँ तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने सोचा पहले मैं रसगुल्ले बना लेती हूँ। तो ये देखिए एक पहले मैंने चेक कर लिया कि कहीं मतलब फैल तो नहीं रहा है रसगुल्ला। देखिए एकदम परफेक्ट रसगुल्ले बन गए हैं और चाशनी मैंने बना के रखी ली थी तो इसमें डाल देती हूँ। और रसगुल्लों के बाद बनाएंगे गुजिया। रसगुल्ले मुझे सबसे ज़्यादा सरल लगते हैं बनाने में क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चाशनी भी बहुत जल्दी बन जाती है, बस थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है कम बनाना है उसी हिसाब से थोड़ा चीनी, खोया, मैदा, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो रसगुल्ले मैंने सेंक लिए और अब गुजिया बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए गुजियों की मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की है, खोया मैंने तैयार कर लिया था तो बेल बेल के डालती जा रही थी और फिर इसके बाद मैं सेकती जा रही थी। और इसके बाद फिर ये दूसरे दिन मैंने बनाए दही बड़े, क्योंकि पहला दिन तो रसगुल्ले गुजिये में ही चला गया। दूसरे दिन मैंने ये दाल पीस ली थी, रात में पहले भिगो दी थी और फिर दाल को पीस लिया था मिक्सी में और ये इस तरह से मैंने सेक लिया, मतलब दाल को फेंटना पड़ा था पीसने के बाद, मिक्सी में पीसने के बाद दाल को अच्छी तरह से फेंटना, कम से कम मैंने 10-15 मिनट दाल को फेंटा। उसके बाद फिर मैंने दाल को 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दिया। इसके बाद मैंने दही बड़े सेके थे, ठीक है, और फिर उन्हें गर्म पानी में डाल दिया था। इसके बाद फिर दही का इस्तेमाल या मठा का इस्तेमाल किया और चटनी भी बनानी थी दही बड़े के लिए, तो ये मैंने चटनी बनाई है अमचूर से। अमचूर यानी कि जो आम वाला पाउडर आता है ना, गर्मियों में आम हम लोग काट के सुखा लेते हैं फिर उसका पाउडर बना लेते हैं और घर पे भी रख लेते हैं ऐसे ही, और जब बनाना होता है तो फिर बना लेते हैं। और ये देखिए साहिल की बुआ आ गई थी दौज के दिन टीका करने के लिए, तो फिर साहिल अपनी बुआ के साथ होली खेल लिया, थोड़ा ऐसे ही खेल। ज़्यादा हम लोग मतलब पक्के रंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो हरा और लाल रंग होता है ना बहुत ज़्यादा पक्का वो नहीं खेलते हैं, बस गुलाल से खेलना अच्छा लगता है। गुलाल लगा लिया, साहिल ने लगा दिया बुआ को और बुआ ने साहिल को और फिर मुझे भी लगा दिया। तो होली में ये तो बनता है, होली बिना रंगों के क्या मज़ा, है ना? तो होली में मज़ा तो तभी आता है जब तक कि चेहरे पर लाल लाल हरा हरा रंग ना लगे गुलाल, लेकिन गुलाल सिर्फ मुझे गुलाल पसंद है।
और गुलाल से ही होली खेलनी पसंद है। तो गुलाल जब बुआ आई थी, साहिल की बुआ आई है, तो अब बिना रंगे तो छोड़ना नहीं था। मतलब जब आई हैं घर में तो खाली खाली साफ साफ चेहरा लेके चली जाए, ये भी तो नहीं बनता। तो फिर होली भी खेल ली और गुजिया पपड़ियाँ रसगुल्ला ये भी खाए खूब दम से। आजकल क्या है, त्योहार है, तो त्योहार पे ये सब घर घर बन रहा है। घर हर मतलब कोई भी त्योहार हो, पकवान तो बनते ही हैं। और फिर खाइए आराम से, क्या दिक्कत है। खाना है और होली खेलना है, तो खाए गुजिया पपड़िया, खाइए होली खेलिए। होली तो खेल ली, फिर इसके बाद मैं तो दिखाना भूल ही गई कि गुजिया मैंने बनाई हैं, क्या क्या बनाया है। तो देखिए, ये बनाई है गुजिया, गुजिया बना के रखी हुई है। अभी मैंने इन्हें खुला रखा हुआ है, क्योंकि खुले ये रहेंगी, हवा लगती रहेगी तो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है, तो गर्मी लगने लगी है। और ये हैं रसगुल्ले, ये देखिए कम बचे हैं। जब तक मैंने रिकॉर्डिंग की तब तक तो ये काफी खाए जा चुके हैं, क्योंकि साहिल को रसगुल्ले बहुत पसंद है। वो रसगुल्ले तो दिन में 3 बार 4 बार कहेगा, मम्मी रसगुल्ले दे दो, मम्मी रसगुल्ले दे दो। और ये बनाई है मैदा की पापड़ी, ये देखिए पकड़ियां भी बनाई हैं। तो ये सब मैंने अभी भर के रख दिया है। रसगुल्लों को देखिए मैंने टब में पानी भर के रखा हुआ है, ऐसे ताकि चींटियां ना आए, क्योंकि मीठी मीठी सारी चीजें बनी हुई हैं, तो चींटा चींटी बहुत जल्दी आते हैं। और फ्रिज में रख नहीं सकते, क्योंकि रसगुल्ले फ्रिज में मैंने एक दो बार रखे तो क्या हुआ, रसगुल्ले बहुत टाइट हो गए थे। और ये हैं दही बड़े, ये मैंने मठे में डाल दिए थे। और जब मैंने मुझे खाना है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि दही बड़ा ये निकाल के एक कटोरी में निकाल लेती हूँ, और फिर उसमें थोड़ा सा दही ऊपर से डाल लेती हूँ और चटनी डाल लेती हूँ। चटनी, ये चटनी बना ली है। ये मैंने कटोरी में ये दही ले लिया है, और इसमें मैंने नमक चीनी ये सब मिला के दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। और सिर्फ मैं ही खाती हूँ, कोई दूसरा खाता ही नहीं है। और अब मैं ले लेती हूँ इसमें से दही बड़ा, ये देखिए एक, जितने खाने हैं अब मुझे खाने हैं तो मैं तो दो ही खाऊंगी। ये देखिए 4 ले लिए मैंने, सोचा कि दही थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, 4 ऊपर से डाल देती हूँ इसमें चटनी। और ऊपर से एक ये पापड़ी ले ली है मैंने, इसको यूं मैं तोड़ के डाल देती हूँ। स्वाद है अपना अपना, जिस तरह से खाना है आप खाइए। कोई भी नमकीन डाल सकते हैं आप ऊपर से। तो ये देखिए स्पेशल दही बड़ा तैयार है बनकर। अब मैं खाने जा रही हूँ दही बड़ा, और ये काफी सॉफ्ट बने हैं रस दही बड़े, देखिए ये देखिए। साहिल को रसगुल्ले पसंद है और मुझे दही बड़ा पसंद है, तो पहले तो मैं खा लेती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगली ब्लॉग में। गुड बाय, टेक केयर।